नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बंगाल में तीसरी बार सत्ता में लौटी ममता बनर्जी अब बदले की राजनीति पर उतर आई हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौम्येंदु अधिकारी अब ममता के निशाने पर आ गए हैं। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौम्येंदु अधिकारी पर राहत सामग्री चोरी करने का संगीन आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में ममता जिस दिन से तीसरी बार सत्ता में लौटी है उसी दिन से ममता बनर्जी ने पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना लिया है। पहले तो चुन चुन कर बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाया। बीजेपी के लाखों लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर कर दिए गए। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के लिए ममता बनर्जी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहीं अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी पर भारी पड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी के निशाने पर आ गए हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार अब शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के पीछे पड़ गई है। ममता सरकार ने शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौम्येंदु अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की है। टीएमसी ने दोनों भाइयों पर राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ ये FIR पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंटाई पुलिस थाने में दर्ज की गई। 1 जून को कोंटाई म्यूनिसिपालिटी के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य रतनदीप मन्ना की ओर से लिखित शिकायत दी गई थी। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि 29 मई को हिमांशु मन्ना और प्रताप जी नाम के दो व्यक्ति म्यूनिसिपालिटी के गोदाम से तिरपाल का एक ट्रक ले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी और सौम्येंदु अधिकारी का दिमाग था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरी वारदात को केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से अंजाम दिया गया। इस आधार पर पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई सौम्येंदु अधिकारी, हिमांशु मन्ना और प्रताप डे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अभी प्रताप डे को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर चोरी की गई राहत सामग्री को नंदीग्राम में तूफान से प्रभावित इलाकों में बांटा गया था। पहले राहत सामग्री में चोरी के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और अब एक अलग स्कैम में उनका सहयोगी पकड़ा गया है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शुभेंदु और उनके भाई पर हुई FIR पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भाजपा के खिलाफ ये एक साजिश है। ममता बनर्जी लोकतंत्र में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उनकी मंशा विपक्ष को समाप्त कर देने की है। आपको बता दें कि पूरे बंगाल में ममता बनर्जी की लहर चली थी। ममता की पार्टी टीएमसी को 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटें मिली, लेकिन अपना पूरा दम लगाने के बावजूद ममता खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। ममता को चुनाव शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। इसके बाद से ही अधिकारी परिवार ममता और टीएमसी के निशाने पर है। बंगाल में ममता बनर्जी अब पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई हैं। वहीं बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज बची ही नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।